राजस्थान में गहलोत सरकार को 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इसी साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं। इन 4 सालों में गहलोत सरकार के लिए विपक्षी दल बीजेपी से कहीं ज्यादा सवाल सरकार के ही मंत्री और विधायकों ने उठाए हैं। इसकी शुरुआत मानी जाती है सचिन पायलट से। पायलट ने संगठन में अध्यक्ष और सरकार में डिप्टी सीएम रहते हुए कई बार प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। साल 2020 में पायलट ने ऐसी ही कुछ मांगों के लिए अपने समर्थित विधायकों और मंत्रियों के साथ बगावत कर दी। अब उस बगावत के बाद क्या हुआ ये सबको पता है, लेकिन हम आपको ये सब अभी क्यों बता रहे हैं ये जानने से पहले ये बयान सुन लीजिए। जयपुर में अलग अलग जिले नहीं बन रहे हैं, जयपुर जयपुर ही रहेगा, जिला जयपुर ही रहेगा। राजस्थान की राजधानी कोई बदल सकता है क्या जयपुर को? और जयपुर कभी भी इस तरह से उन्होंने एक आइडिया दिया कि जयपुर में उत्तर दक्षिण हो जाए, ऐसा नहीं है। जयपुर में जयपुर ही रहेगा, उत्तर दक्षिण भी नहीं करेंगे, जयपुर को जयपुर रख देंगे। और मान लीजिए कलेक्टर, मान लीजिए कहीं सांगानेर में बैठ जाए या आमेर में बैठ जाए या कहीं बैठ जाए, तो उससे ये फायदा होगा कि मान लो SP आज 4 है, 4 SP हैं, यदि 8 बैठ जाएंगे, डिप्टी बढ़ जाएंगे, SDM बढ़ जाएंगे और वो कर्मचारी बढ़ जाएंगे, तो उससे फायदा होगा। मेरा ये मानना है जयपुर को नहीं बदलेंगे, जयपुर को जयपुर ही रखेंगे, जयपुर हमारी शान है, चिंता मत करो आप। सीएम गहलोत ने हाल ही में प्रदेश को 19 नए जिलों और 3 संभागों का तोहफा दिया था। नए जिलों की घोषणा होने के बाद से राजस्थान में जश्न और नाराजगी का दौर चल रहा है। जो कस्बे जिले बन गए वहाँ के लोग जश्न मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिन कस्बों को लंबे समय से जिला बनाने की मांग की जा रही थी वो जिला नहीं बने तो वहाँ गहलोत सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन, सड़क जाम और रैलियाँ निकाली जा रही हैं। अब लोगों की इस नाराजगी के बीच मंत्री प्रताप सिंह खाजरियावास का बयान जरूर थोड़ी राहत पहुँचाने वाला हो सकता है। वैसे लोगों की इस नाराजगी के बीच ही प्रदेश में डॉक्टरों की नाराजगी को लेकर भी खाजरियावास ने संकेत दिए हैं कि सरकार पीछे हट सकती है। देखिए, मैं खुद ये चाहता हूँ डॉक्टरों की स्ट्राइक खत्म हो, ये डेडलॉक टूटे, क्योंकि लोग बहुत परेशान होते हैं। राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान की जनता के हित में लाया गया। एक बात मानकर चलना, सरकार की नीयत अच्छी है, सोच अच्छी है। सरकार चाहती है कि राजस्थान पहला राज्य बने राइट टू हेल्थ के लिए। डॉक्टर्स को परेशानी है, डॉक्टर्स मेरे भी दोस्त हैं। मैंने जब RPA में प्रोग्राम था तब मुख्यमंत्री जी से कहा था आप डॉक्टर्स से बुला के बात करके और इस समस्या का समाधान करें, तो वो समस्या का समाधान करें। तो मुख्यमंत्री जी से कल भी मेरी बात हुई थी फोन पे, तो मुख्यमंत्री जी भी चाहते थे डेडलॉक टूटे। मैं खुद भी डॉक्टरों से बात करूंगा, डेडलॉक तोड़ेंगे। हम डॉक्टरों से टकराव नहीं चाहते, हम हड़ताल का समाधान चाहते हैं। यदि सरकार को 4 कदम पीछे हटाने पड़े तो हमें हटाने चाहिए। आपको बता दें, गहलोत सरकार ने अपने बजट सत्र में राइट टू हेल्थ स्कीम का भी ऐलान किया था, जिसको लेकर प्रदेश के प्राइवेट और सरकारी डॉक्टर विरोध प्रदर्शन पर उतर आए थे। लंबे चलते इस विरोध प्रदर्शन की वजह से प्रदेश में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है चुनाव से पहले सरकार कुछ फैसले ले सकती है। राजस्थान में बीते 20 सालों से सत्ता परिवर्तन की परिपाटी चली आ रही है। फिलहाल प्रदेश में कांग्रेस शासित गहलोत सरकार है। सरकार का दावा है वो इस बार राजस्थान की परिपाटी तोड़ते हुए सत्ता में वापसी करेंगे। अब सरकार की सत्ता में वापसी होगी या फिर सरकार के इन फैसलों का नुकसान होगा, ये तो राजस्थान की जनता ही तय करेगी।